नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। आइए शुरू करते हैं बुलेटिन, जहां पर बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान के कारण हुई मूसलाधार बारिश के बाद संचार जालोर और बाड़मेर में हालत खराब लगातार दिखते को मिल रहे हैं। वहीं इस वजह से सुरावा बांध में पानी बढ़ने लग गया है, जिसकी वजह से जल भराव के कारण शनिवार देर रात सुरावा बांध टूट गया। उसके बाद से साचौर की तरफ पानी तेजी से बढ़ रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए जोधपुर से SGRF के इंचार्ज एडिशनल SP लोकेश सलवार अपनी टीम के साथ जालोर रवाना हुए। वहीं जालोर और साचौर में सेना ने मोर्चा संभाल लिया, जहां निचले इलाकों में पानी का भराव तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। हालांकि अभी बारिश नहीं रुकी है। वहीं नर्मदा नहर लिफ्ट कैनाल की दीवार टूटने से साचौर में पानी का भराव और तेज हो गया है। साचौर के बाजार की दुकानें में 5 फीट से ज्यादा पानी का भराव हो गया है। वहीं जालौर में पांचला बांध की दीवार टूटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी का भराव तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें मामा भांजी ने मिलकर किडनैपिंग का प्रैंक कर घर वालों को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था, लेकिन उनका ये सरप्राइज का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने कथित आरोपी मामा को भांजी के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जबकि परिजनों का कहना है कि बच्ची ने अपने मामा के साथ मिलकर अपने माता पिता के साथ प्रैंक किया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने केस ना दर्ज करने की एवज में उनसे रुपये ऐठे थे चाहते थे। वहीं इसके रुपए देने से इनकार करने पर ये केस पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार करके कोर्ट से 1 दिन की रिमांड पर ले लिया है। इस पूरे मामले में एडवोकेट हेमंत शर्मा ने यह बताया कि बच्ची ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में अपने माता पिता के साथ प्रैंक किए जाने की बात कही है और इस प्रैंक में उसके मामा भी शामिल थे। हालांकि ये पूरा दांव सरप्राइज का उन पर ही उल्टा पड़ता दिखे। तो वहीं अमेठी में डिप्टी CM केशव मौर्य ने बयान दिया है, जहां पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी का दर्द क्या होता है ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नहीं मालूम है। जो गरीबी का दर्द नहीं जानता वो गरीबों का दर्द क्या दूर करेगा। इतने साल कांग्रेस केंद्र और प्रदेश में रही, लेकिन गरीबों का पक्का घर नहीं बन सका। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस गरीबों के घाव पर नमक डालने का काम कर रही है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास किसी राजमहल से कम नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री के आदेश पर प्रदेश में 10 लाख समूह नए बनाए गए। आराम से भैया महाजनसंपर्क उसका 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 साल पूरे होने पर महाजनसमर्थन से महाविजय के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अमेठी की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता भी भाजपा के कार्यकर्ता की तरह तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की सभी पार्टियों ने चुनावी समर में अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी देश की सभी लोकसभा सीटों पर मां जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी के क्रम में अमेठी लोकसभा में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की तरफ से अमेठी मुख्यालय गौरीगंज के जामो रोड स्थित श्री रंजय इंटर कॉलेज मैदान में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित किया गया है। जनसभा से पूर्व दोनों नेताओं ने स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। वहीं फिरोजाबाद में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, जहां बयान देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज कायम है और कानून का राज खत्म हो चुका है। साथ ही कहा कि एम्बुलेंस डायल 112 सेवा बिल्कुल ध्वस्त है। यूपी पुलिस चींदी चोरी करने में जुटी है, जहां देश के पहलवान धरना दे रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। BJP 2014 में आई थी और 2024 में जाएगी, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। वहीं जनता भाजपा के खिलाफ मन बना बैठी है और लोगों के साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया।
हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का समापन हुआ है। खराब मौसम के चलते होने वाली मां पंचायत को स्थगित कर दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को किसानों ने राष्ट्रपति को भेजा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज हमारी तरफ से 27 मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें किसानों की समस्या से जुड़े 27 प्रस्ताव हैं। 3 दिन का शिविर चला आपका, क्या प्रस्ताव पारित हो गए, किस तरह के प्रस्ताव? तो ये है कि करीब 27 बिंदु उसमें लगाए, भूमि अधिग्रहण का है, बिजली की समस्याएं हैं, मोदी MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और अलग अलग स्टेट के अलग अलग समस्याएं, तो कोशिश करी के एक ज्वाइंट ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम चला जाए। वो अधिकारी आए थे तो उनको दे दिया, क्योंकि आज का मौसम खराब था। वहीं फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पहले रिलीज से पहले फिल्म आदि पुरुष चर्चाओं का विषय बन रही थी, तो अब रिलीज के बाद भी फिल्म आदि पुरुष को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। इसी बीच हरिद्वार के साधु संतों ने भी अब फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे हिंदू धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र बताया है। साथ में लोगों से यह अपील भी की गई कि इसे देखने के लिए ना जाया जाए। कहा साधु संतों ने इस पर एक और बड़ी बात कही, जहां उन्होंने कहा कि इस फिल्म को हिंदू धर्म के प्रति षड्यंत्र की बात कही है, जिसे तत्काल सरकार द्वारा बैन होना चाहिए, ऐसा भी साधु संतों ने कहा। वहीं साधु संतों के सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि हिंदू धर्म के प्रति लगातार बॉलीवुड के माध्यम से षड्यंत्र रचने का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले भी कई फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक बनाया गया है और अब हमारे भगवानों को भी बख्शा नहीं जा रहा, और ये फिल्म बनाने वाले और कोई नहीं हिंदू लोग हैं जो अपने धर्म का मजाक बनवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो वो किसी दूसरे धर्म पर ऐसी फिल्म बनाकर दिखाएं। देखिए, आपने देखा होगा जब भी जो हिंदुओं की फिल्में बनती है, आपने उसमें यह भी देखा होगा बनाने वाले ज़्यादा हिंदू ही लोग हैं, जो हिंदू जो देवी देवता उनका अपमान करते हैं, संतों का अपमान होता है फिल्मों में, जो है जितने पंडित हैं उनका अपमान होता है, चोटी का अपमान होगा, शिखा सूत्र का अपमान करते हैं। ये हमारे ही हिंदुओं में गद्दार लोग हैं जो हमारे खिलाफ ऐसी साजिश रचते हैं। इनको पैसा मिलता और हिंदुओं की जो देवी देवता है, जो हमारी मूर्तियाँ हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनका अपमान करते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश भर में स्वच्छ अभियान सप्ताह चलाया जा रहा है, जहां प्रदेश के सभी जिले और क्षेत्रों में स्वच्छ सप्ताह अभियान चलाया गया, जिसके बाद प्रदेश भर में सभी सरकारी विभागों की टीम बनकर न्यायमूर्ति जज को भी स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग देने का आदेश दिया गया है। अभियान के तहत मंगलौर कस्बे में भी अपर जिला जज मोहम्मद सुल्तान ने नगर पालिका मंगलौर टीम के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं मंगलौर रोडवेज बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, जहां साफ सफाई के बाद उन्होंने कहा कि स्वच्छता बहुत जरूरी है, इससे सभी को मिलजुल कर अपने आसपास फैली गंदगी को साफ करना चाहिए। वहीं सफाई कर्मचारियों के साथ आम नागरिक का भी फर्ज है कि वो अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले में साफ सुथरा रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस सफाई अभियान का प्रोग्राम किया गया है। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक जिले, प्रत्येक शहर और प्रत्येक कस्बे में सफाई अभियान के लिए निर्देशित किया गया है, जिसका अनुपालन में जिले के जिला जज महोदय द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में एक एक टीम का गठन किया गया है। उस टीम में एक एक न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में सफाई अभियान का कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है। आज माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के द्वारा एक विशेष सफाई अभियान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तमाम जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं उनकी तमाम नगर पालिकाओं के अंदर ड्यूटी लगाई गई है कि उनकी देखरेख में, उनके तत्वाधान में सफाई अभियान चलाया जाए।
उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार स्वच्छता सप्ताह अभियान के तहत पिंडर घाटी के 3 प्रखंडों की सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें पंचायत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नारायण बगड़, देवाल और थराली प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों और बंजारों में स्वच्छता पखवाड़े के तहत साफ सफाई का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने गाँव एक बाजार के आसपास जमा होकर कूड़े कचरे को एकत्रित करके तय कूड़ेदानों तक पहुंचाया। ये कार्यक्रम सभी जगहों पर प्रारंभ हुआ। इस दौरान साफ सफाई को लेकर सभी लोगों को शपथ भी दिलाई गई। ये पूरा स्वच्छता सप्ताह हमारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और माननीय जिला न्यायाधीश और एसडीएम साहब और सीडीओ साहब के आदेश से आदेश निर्गत हुए हैं कि इसमें निरंतर स्वच्छता बनाए रखें। और उसमें जो हमारा कूड़ा वाहन है, पूरे जिले में कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा के 9 कूड़ा वाहन गाड़ियाँ 9 ब्लॉकों के लिए दिया गया। और हमारे विकास खंड का ये कूड़ा वाहन है यहाँ पे, इससे हम ग्राम पंचायत स्तर पे जो सेग्रीगेशन सेंटर कूड़ा एकत्रीकरण जो केंद्र बन रहे हैं कई। तो अगली खबर झांसी से, जहां झांसी में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है। मऊरानीपुर थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित महिला ने बताया कि 6 अज्ञात दबंग हथियार के बल पर उसके घर में घुसे और उसके साथ और उसकी बच्ची के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। साथ ही घर में रखे सामान की भी तोड़फोड़ की गई। वहीं घर में रखे सोने चांदी और के गहने साथ ही 3,85,000 रुपए लेकर जो दबंग हैं वो भाग गए। साथ ही परिवार वालों को चांद से मारने की धमकी भी दी गई। मैं 7 जी घटी के हम अंदर खाना बना रहे थे, 3-6 लोग आए साथ में और रामदेवी और हमारी बहू कल्पना आई तो अंधा चली गई, मारपीट करी हम खा। हमारे घर पे ना हमारे बच्चा हते ना हमारा पति है तो, और मारपीट करके 6 लोग साथ में हते जो हमारे तोड़ फेड़ करने लगी। उनका हम चिन्हत नहीं है, ढट्टी बांधे थे। हमारी लड़की हती उसका भी उन्हें को मतलब फायदा बहू ने मारो है। तो वहीं झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसराज मॉडल स्कूल के पीछे 15 जून को एक रिटायर्ड बैंक कर्मी शंकर लाल की उसके घर में हत्या कर दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस हत्या के खुलासे के लिए स्वाट और रक्सा थाना की पुलिस के अलावा 3 टीमों का गठन किया था। इन तीनों के अथक प्रयास के बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा ये जानकारी दी गई कि शंकरलाल और मोहम्मद यासिन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। यासिन अपने परिवार के साथ शंकरलाल के घर आया जाया करता था। वहीं शंकरलाल यासिन की पत्नी पर पूरी नजर रखता था, जिसकी वजह से कई बार उसने यासिन की पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की। जब यासिन की पत्नी ने शंकरलाल की छेड़छाड़ के बारे में अपने पति को बताया तो इसे क्रोधित होकर यासीन ने शंकरलाल के घर में ही पत्थर से उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर की तरफ से मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार करके हत्याकांड का खुलासा किया गया। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए तथा कहीं गिर गए मोबाइल सेटों की बरामदगी करने के लिए प्रभारी सर्विलांस सेल अंकित त्रिपाठी के नेतृत्व में एक मोबाइल रिकवरी टीम का गठन किया है, जो जल्द आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित होगी। जिसके क्रम में सर्विलांस सेल के मोबाइल रिकवरी टीम ने 80 कीमती मल्टीमीडिया मोबाइल सेटों को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता भी प्राप्त की है। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। वहीं बरामद मोबाइल सेटों को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में उनके मालिकों को सौंप दिया है। बाराबंकी में आज हमारे सर्विलांस की टीम द्वारा काफ़ी प्रयास करके 80 मोबाइलें बरामद किया, जो कुछ जनपद वासियों कुछ गैर जनपद के लोगों का भी यहाँ पे खो गया था या गिर गया था या चोरी चला गया था, ये हमें बरामद हुई है। उनकी कीमत लगभग 15 लाख से अधिक है और ये हमें उनको वापस करने में काफ़ी खुशी की अनुभूत हो रही है। साथ ही मुझे अनुरोध भी कर रहा हूँ उन लोगों से कि ये हमारे आज के डेट में बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट हो गया है ये। तो वहीं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले झांसी के ग्राम चुरारा में जय विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसानों ने जिम्मेदारी
के जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचायत में किसानों ने चिंतन मंथन करते हुए बताया कि साहब भीषण गर्मी है, बिजली गायब है, गांव में 3 पानी की टंकी बनाई गई है फिर भी पानी की समस्या विकराल है। वहीं गांव मेलवारा से लेकर गरौठा तक कई बसों का परमिट होने के बावजूद इस गांव में बसें भी नहीं आती है। हम लोगों का प्राइवेट टैक्सी से भारी किराया देना पड़ता है, जहां पर मऊरानीपुर जाने के लिए इतनी दिक्कतों का सामना किया जाना पड़ता है। इसके अलावा भी ग्रामीणों ने कहा कि जिन बसों का जहाँ से जहाँ तक का परमिट है, अगर वहाँ से वहां तक नहीं जाती तो उन बसों का परमिट रद्द कर दिया जाए। खरीफ फसल बुआई का समय आ रहा है, जहां पर गांव में आज तक गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है। इसके अलावा ग्राम चुरारा से लेकर पढ़ाई तक लगभग 2 किलोमीटर रोड का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा किसानों ने पंचायत में बताया कि चुरारा का पढ़ाई खिरक है, जो सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। गांव आने जाने के लिए रोड ना होने से बारिश में पैदल निकलना मुश्किल है, ऐसे में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते और बीमार अस्पताल नहीं जा पाते। वहीं गरीबों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोड का निर्माण कराया जाए, ये मांग रखी गई। दादाजी क्या नाम है आपका? राम प्रसाद सेन। क्या समस्या है दादाजी? श्रीमान जी, हमारी समस्या बहुत बड़ी है, आप लोगों की समस्या हल कर सकूं तो आप लोगों से निवेदन करेंगे। बताइए। पहली समस्या, इस गांव में लाइट एक फेज दे देते, कौन देते नहीं है। बच्चे जो है बहुत परेशान रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, मच्छर काटता है। दूसरी समस्या पानी की है, एक गगरी कोई भर ले जाता है तो कहो 2 दिन तक पानी ही नहीं मिलता है, तो कहाँ हाल में जाते हैं। झांसी में समतर थाने को सत्ताधारी नेता के संचालित करने का मामला अब और गर्माता जा रहा है, जहां पीड़ित का आरोप है कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस उसकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित ने थाने से लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी से भी मामले की शिकायत की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ित ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मामले में निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं आप? हमारा नाम राइस गौतम है और मैं अखाड़ापुरा मोड़ का निवासी हूँ। क्या मामला हो गया, आज आपने क्या ज्ञापन दिया है? मामला ये 12 तारीख की रात का है, 11:30 बजे समथर थाने का। एक सत्ताधारी नेता जो भूत देनिया जी हैं, उन्होंने अपने आप को ऐसा साबित किया वहाँ पे, मेरे साथ जाति सूचक गालियों का प्रयोग किया था। उनके साथ एक सिपाही श्रवण कुमार यादव, उसने मेरे साथ थाने के बाहर रोड पर मारपीट की थी। वहीं अगली खबर सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां मिर्जापुर निवासी बसपा के पूर्व MLC और खनन कारोबारी हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से प्रशासन ने खनन कारोबारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जहां पैरव MLC हाजी इकबाल की मिर्जापुर इलाके में सैकड़ों बीघा जमीन को SDM दीपक कुमार और CO रुचि गुप्ता के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने जब्त करने की कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार SDM दीपक कुमार और CO रुचि गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम मिर्जापुर के गांव अलीपुर, अकबरपुर, रोशनपुर, पेलो, शाहपुर, गाड़ा और मिर्जापुर पोल पहुंची और हाजी इकबाल की 463 जमीन को जब्त करने की कार्रवाई की। तो वहीं पीलीभीत में 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। वंचित आरोपी पर गैंगस्टर सहित कई मुकदमे दर्ज हैं, जहां पिछले कई दिनों से आरोपी फरार चल रहा था। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेरपुर से अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया गया है। तो वहीं बाराबंकी में अबू तला की ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने मंडी का निरीक्षण किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर युक्ति आम का स्वाद यहां पर चखा गया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपाई अपने क्षेत्रों में कराए गए कार्य को गिनाने में लगे हुए हैं, जहां भाजपा किसान मोर्चा ने किसान संवाद के क्रम में बाराबंकी स्थित मंडी में निरीक्षण किया और इस दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसानों से संवाद किया, उनकी समस्या सुनी और शीघ्र ही निराकरण की बात भी कही। इस दौरान आम
कि किसानों की तरफ से आयोजित मैंगो पार्टी में भी भाजपाइयों ने आम का स्वाद चखा। बाराबंकी में आम की विशेष प्रजाति यकूती का स्वाद चखकर प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिले में आम की फसल और किसानों का प्रचार उनके पदाधिकारी पूरे प्रदेश और देश में करेंगे ताकि यहाँ के आम की ख्याति और फैल सके। तो वहीं जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शराब की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। जालौन में एसओजी और सर्विलांस पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पर अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 351 पेटियों को पुलिस ने बरामद कर दिया, जहां आरोपियों के पास से एक डीसीएम और हुंडई वर्ना कार भी बरामद हुई है। इसके अलावा जालौन के कलिया थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। उरई के पुलिस लाइन सभागार में डीएसपी राम सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जहां पर ये शराब तस्करियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी में जमीन पर हाई कोर्ट का स्टे है और उसके बाद भी भू माफिया का दिल है कि मानता नहीं। झांसी के क्रिश्चियन कैंपस की अरबों कीमत की जमीन भू माफिया बेच रहे हैं। वहीं जमीन का नामांतरण तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कब्जा जारी है। आपको बता दें कि क्रिश्चियन अस्पताल में ये कब्जा हो रहा है, जहां पर जो ये भू माफिया है ये इस पर कब्जा हटाने का नाम नहीं ले रहे। तो वहीं गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जहां पर आगामी 20 जून को अहमदाबाद में आयोजित होने वाली है ये 146वीं जगन्नाथ रथ यात्रा को शांति सुरक्षा और बिना किसी अनहोनी के सफल संचालन के लिए पुलिस बल की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी इस बैठक के अंदर। वहीं इस बैठक में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी सहित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कैलाश नाथन और प्रमुख सचिव राजकुमार और अपर मुख्य सचिव गृह मुकेश पुरी सहित पुलिस महानिदेशक विकास सहाय और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।